अस्सलाम वालेकुम मिर्जा नईम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार बेसिकली सीन यार ये है कि आपको दो चीज़ों के बारे में अपडेट करना था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो सऊदी में रह रहे हैं। सबसे पहले सीन ये हुआ है कि यार भाई का एटीएम हैक हो गया है। एटीएम हैक हो गया यार, आप हिसाब लगाओ। मुझे ना तकरीबन कल सुबह मैसेज आया है, 120 रियाल आपके अकाउंट से डिटेक्ट हुए हैं, अननोन ट्रांसफर। ठीक है, और मैंने कोई कनाडा की टिकट बाय की है। ठीक है, तो मैं रान हूँ। मैं यार ये क्या सीन है भाई? मैंने यूट्यूब पे फटाफट सर्च किया, गूगल पे जाके सर्च किया, पता चला भाई ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बाकी लोगों के साथ भी हुआ हुआ है। अच्छा जी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्शन ये लिया, मैंने किया अलाजी बैंक को कॉल। ठीक है, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी अननोन ट्रांसेक्शन हुई है, कटिंग हुई है, ठीक है, एटीएम से। तो उन्होंने कहा आपका अकाउंट मे बी हैक हुआ हो, तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं। मैं कहा कर दो फटाफट, इससे पहले कोई और ट्रांसेक्शन हो। अच्छा, दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे ये कही, ये जो आपके 120 रियाल है, ये मे बी के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो और मे बी के ना हो। मैं कहा ये क्या बात हुई, मतलब कि ट्रांसफ़र होने चाहिए, अभी तो वो डिटेक्ट नहीं हुए, वो अभी ट्रांसेक्शन अभी प्रोसेस में है। ठीक है, तो मतलब कि आप उसको बचा सकते हैं भाई लोग, लेकिन नहीं, कोई सीन नहीं। उन्होंने कहा नहीं है, हम कोशिश करेंगे, ठीक है, 21 सितंबर तक मे भी हम कुछ कर पाए। अच्छा जी, उसके बाद भाई ये सीन हो गया, मुझे जाना पड़ेगा एटीएम, क्योंकि मुझे न्यू एटीएम निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि एटीएम चेंज होगा तो कुछ होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बैंक में यार आप सिर्फ आपने थंब लगाना है, ठीक है, और आपको एटीएम मशीन वहाँ पे मौजूद होती है, वो एटीएम कार्ड निकाल के देते हैं। पाकिस्तान वाला सीन ये है कि भाईजान एटीएम बनने के लिए कराची जाएगा, कराची से आएगा, ठीक है, तो ये सीन नहीं है। अच्छा भाई, दूसरा कांड क्या हो गया भाई? दूसरा कांड क्या, दूसरा सीन ये हुआ है कि आज सुबह सुबह हमारी बिल्डिंग के अंदर आ गई पुलिस, आके जितने भी रूम थे, अपार्टमेंट थे, सबको उन्होंने चेक किया है, पिक्चर्स क्लिक किए हैं, सबके कामा चेक किए हैं, सबका वो एजार का वो बिल होता है, ठीक है, वो भी चेक किया है कि मतलब कि जो बिल नहीं होता, यानी कि आपने अपार्टमेंट का रेंट पे किया हुआ है या नहीं, वो सारी चीज़ें। और बाहर एक पर्ची लगा के चले गए हैं, जिसका मतलब ये है, पर्ची भी नज़र आ जाएगी आपको, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्डिंग रिव्यू में है 48 आवर्स की। मतलब कि अगर तो होगी बिल्डिंग बंद भाई, यहाँ पे चलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन कोई सीन नहीं है। बड़ा वो पता चला तो पिछों कॉल आ रही है, बाबा जी केड़ा सी साड़ी बिल्डिंग च बड़े हैं, ये वाला सीन नहीं है, यहाँ पे रूल्स है, बड़ा बड़े के बराबर है, छोटा छोटे के बराबर, छोटा बड़े के बराबर और बड़ा छोटे के बराबर, ठीक है। तो सीन ये है कि यार ये वखरा मसला हो गया, और आज सुबह हमारी लाइट चली गई है, ठीक है, हमने बिल नहीं पे किया था। यहाँ पे सीन ये होता है भाई कि अगर आप बिल नहीं ना पे करते तो पीछे से ऑटोमेटिकली कलेक्शन कट हो जाता है, ये ना सोचे कि कोई आके आपको बताएगा, ठीक है, यानी कि आके आपको बिल दिए के जाएंगे, आपने पे करना है, ये वाला सीन नहीं है। यहाँ पे होता है कि पीछे से ऑटोमेटिकली कनेक्शन, यहाँ पे बिल जो पे होता है ना वो साल का होता है या 6 माह का होता है, ठीक है, हमने साल का बिल जमा करवाया हुआ था, तो अब वो रीन्यू के लिए आ गया, मतलब कि अगर लाइट चली गई समझो बिल जमा करवाना है। तो तीसरा कांड हमारे साथ ये हो गया, तो अभी बेसिकली हमने जाना है रांची बैंक, ठीक है, वहाँ जाके हमने अपना ना एटीएम कार्ड निकलवाना है, और मैं सारी चीज़ें बताऊँगा मैंने प्रोसेस क्या किया था। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह का हैकिंग वाला सीन आप लोगों के साथ हो, तो सबसे पहले तो यार अपना एटीएम ब्लॉक करवाओ कॉल करके, और मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे रांची की ऐप में जाके कॉल कर सकते हो हेल्पलाइन पर। न्यू एटीएम निकलवाने के बाद अपना अकाउंट फिर एक्टिव करो, ठीक है। तो अभी हमने जाना रांची बैंक, वो है सामने, ज़्यादा दूर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं अलराजी बैंक। भाई यहाँ के बैंक के बाहर शीशे जो होते हैं ना, शीशे लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे चोरी चकारी का तरह सीन नहीं होता कि बंदा भाई शटर लगाओ भाई अंदर डबल सिक्योरिटी, 6-6 ताले, वो पाकिस्तान वाला सीन नहीं है। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल, तो यहाँ पे अब जाके ना एटीएम कार्ड ही खुलवा लेते हैं।
मुझे लग रहा है कि मशीनरी चल रही होगी। पहले मशीन नहीं चल रही, मशीन अब मुझे लग रहा है जब बैंक ओपन होगा ना वो पीछे से मेरा ख्याल ऑन करते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है मुझे वापस आना पड़ेगा, तो वापस आ के फिर मतलब कि प्रिंट निकलवाते हैं अपने एटीएम का। तो यार हम लोग आ गए हैं राजीव बैंक, दोबारा से चेक करते हैं एटीएम निकल रहा है कि नहीं। तो एटीएम कार्ड यार आपके भाई ने न्यू निकलवा ली है, ठीक है। उसके बाद मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की थी अलराजी के, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि मतलब कि ना आप अपना पासवर्ड रीसेट कर दें, हम आपको मैसेज कर देते हैं, ठीक है। आप अपना पासवर्ड रीसेट कर, ठीक है। तो मैंने अपना जो पासवर्ड था ना ऐप का वो मैंने रीसेट कर लिया है, एटीएम भी मेरा चेंज हो गया। तो एटीएम की जो डिडक्शन हुई है वो 35 रियाल हुई है, ठीक है। और जो मेरी पेमेंट जो कटी थी ना 121 रियाल, वो दोबारा मैंने कंप्लेन फाइल कर दी थी। मैंने कहा मेरी पेमेंट मुझे वापस चाहिए, ठीक है, और उम्मीद है मुझे मिल जाएगी। तो ये दास्तान थी यार इसकी, एटीएम हैक की, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है सारी चीज़ें ओके हो गई। तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, लाइक लाजमी करना है, कमेंट लाजमी करना है। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं फ़ौरन रिप्लाई कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।